क्या आपको भी नए लोगों से बात करने में प्रॉब्लम होती है? कई बार वो ऑकवर्ड साइलेंस हो जाता है, आप चाहते तो हैं बट आपकी क्रेडिबिलिटी इस्टैब्लिश नहीं हो पाती है। आज इस वीडियो में मैं आपको ऐसे 5 प्रैक्टिकल टिप्स देने जा रहा हूँ जिनको यूज करके आपका कॉन्वर्जेशन नेक्स्ट लेवल हो सकता है। हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम है हरितोष श्रीवास्तव और ये हमारे वीडियो का पार्ट 2 है। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो प्लीज यहाँ पे क्लिक करके देखें। ये हमारा सीरीज इंस्पायर्ड है ले लॉन्डेस की बुक हाउ टू टॉक टू एनीवन। और अगर आपने इस वीडियो का पार्ट 1 नहीं देखा है तो प्लीज यहाँ पे जाके इसका पार्ट 1 देखें, जिसमें हमने 5 प्रैक्टिकल टिप्स दिए थे और ये उसका कंटिन्यूएशन है। इसमें हम 5 और नए प्रैक्टिकल टिप्स देने वाले हैं। अगर आपने इस चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज सब्सक्राइब दैट और क्लिक ऑन द बेल आइकन, जिससे आपको नए नए वीडियोस जब भी आए तो पता चल जाए। 2023 में 2023 में हम हर वीक एक नया अमेजिंग कंटेंट लेके आने वाले हैं, तो प्लीज मेक श्योर यू सब्सक्राइब टू दिस चैनल। तो आइए बात करते हैं उन 5 प्रैक्टिकल टिप्स की जो आप यूज कर सकते हैं। पहला, इंस्टेड ऑफ आस्किंग समबडी व्हाट डू, आस्क द क्वेश्चन हाउ डू यू स्पेंड मोस्ट ऑफ योर टाइम। Now, क्या होता है कि आप किसी से पूछते हैं हाउ डू यू डू, मोस्ट ऑफ द टाइम्स पीपल विल लाइक टू आंसर ओके आई एम एन इंजीनियर, आई एम ए डॉक्टर, आई एम ए लॉयर, और उसके बाद आ जाता है साइलेंस। बट जब आप लोगों से पूछते हैं हाउ डू यू स्पेंड मोस्ट ऑफ योर टाइम, तो लोग ओपन हो जाते हैं। दे कैन टॉक अबाउट वर्क, अगर वो वर्क के बारे में बात नहीं करना चाहते हैं, दे कैन टॉक अबाउट देयर हॉबी, देयर पैशन, और उसके साथ आपका कॉन्वर्जेशन आगे बढ़ सकता है। तो पहला टिप है कि इंस्टेड ऑफ आस्किंग पीपल व्हाट डू, आस्क द क्वेश्चन हाउ डू यू स्पेंड मोस्ट ऑफ योर टाइम। आते हैं टिप नंबर 2 की तरफ, जो कि बहुत ही कॉमन है। लोग आपसे पूछते हैं वेयर आर यू फ्रॉम, आप कहाँ से हो। नाउ यहाँ पे आप बन सकते हैं स्मार्ट, इंस्टेड ऑफ आंसरिंग दैट क्वेश्चन इन वर्ड कि मैं जौनपुर से हूँ, दिल्ली से हूँ, बैंगलोर से हूँ, टेल समथिंग मोर अबाउट दैट। Tell me that I live in a city which is, you know, around 50 kilometers from Varanasi, which is the historical hub of India, and this city is famous for this and this and this. So, जब आप इस तरह से explain करते हैं कि आप कहाँ से हैं, तो आपकी credibility automatically बढ़ जाती है और वो जो awkward silence हो जाता है वो खत्म हो जाता है। And there is a good chance कि जो सामने वाला बंदा है या जो सामने वाला person है वो आपको ज़्यादा attention दे और वो open up हो जाए। So that is the tip number 2. Never answer in one word, where are you from? मजा आ रहा है, आपको सीखने को कुछ मिल रहा है। Type in the comment कि आपको इन 5 में से कौन सा टिप सबसे ज्यादा अच्छा लगा। I would love to see your comments. और आते हैं नंबर 3 की तरफ, कौन सा है वो तीसरा टिप। बहुत ही प्रैक्टिकल, बहुत ही सिंपल, बहुत ही इफेक्टिव। ना आप कई बार पार्टी में जाते हैं, किसी मीटिंग में जाते हैं, किसी से मिलते हैं, आप कहते हैं थैंक यू, एंड ले लॉन्डेस कहती है नेवर से प्लेन थैंक यू। जब भी आप किसी को थैंक यू बोलो तो उसके साथ कुछ ऐड करो, थैंक यू फॉर बीइंग पेशेंट, थैंक यू फॉर योर हेल्प, थैंक यू फॉर योर सपोर्ट, थैंक यू फॉर बीइंग ऑन टाइम, थैंक यू फॉर हेल्पिंग मी। जब आप थैंक यू के साथ कुछ और जोड़ के आप देते हो तो लोग आप पे ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं, लोग आपसे ज़्यादा ओपन अप होते हैं। तो टिप नंबर 3 इज नेवर से प्लेन थैंक यू, ऑलवेज एड ऑन टू इट। टिप नंबर 4, और आई एम प्रिटी श्योर कि आप ऐसे बहुत सारे लोगों से मिला होगा, एक्चुअली आप भी ये करते होंगे, जब भी आप किसी को सुन रहे हैं, कोई कुछ बोल रहा है, तो वो हम अजीब अजीब के साउंड निकालते हैं, डोंट डू दैट। अगर आपको रिस्पॉन्ड करना ही है, आपको कुछ बोलना ही है, तो आप उसको कुछ मीनिंगफुल वर्ड्स बोलो, मीनिंगफुल सेंटेंसेस बोलो, लाइक आई सी वॉट यू मीन, दैट मस्ट हैव बीन क्वाइट डिफिकल्ट, दिस साउंड्स लाइक एन अमेजिंग एक्सपीरियंस दैट यू हैव। तो जब आप इस तरह के पॉजिटिव, इस तरह के कॉन्टेक्चुअल रिस्पॉन्स देते हो, इंस्टेड ऑफ जस्ट गिविंग that makes such a positive connection, such a deep connection. So always remember, don't just say something meaningful. और अब आते हैं 5वें और आखिरी practical tips की तरफ। Now when somebody asks you, tell me about yourself, क्या करते हैं कई बार हम लोग, अपनी सारी problems, अपने सारे issues बताना शुरू करते हैं। You don't have to. अगर आप किसी से नए बंदे से मिल रहे हैं, tell something positive about yourself. जब तक आप खुद की एक पॉजिटिव सेल्फ इमेज नहीं देंगे,
सामने वाले को कैसे पता चलेगा? तो अगर कोई आपसे मिलता है पूछता है ओके हु आर यू, व्हाट डू यू डू, वेयर आर यू फ्रॉम, टेल हिम दैट या आई एम सो एंड सो, आई हैव डन दिस, आई हैव डन दैट, इंस्टेड ऑफ टेलिंग ओके आई हैव दिस प्रॉब्लम, आई सफर फ्रॉम दिस, मेरे पास ये बीमारियाँ हैं, मुझे ये प्रॉब्लम्स है. डोंट टेल एवरीथिंग इन द वेरी फर्स्ट मीटिंग, कीप समथिंग फॉर आफ्टरवर्ड्स. सो नेक्स्ट टाइम व्हेन समबडी मीट्स यू फॉर द फर्स्ट टाइम, टेल पीपल समथिंग पॉजिटिव अबाउट योर सेल्फ. सो ये थे आज के 5 प्रैक्टिकल टिप्स, ऑल टेकन फ्रॉम द बुक हाउ टू टॉक टू एनी वन, रिटन बाई लेल लॉन्डेस. प्लीज कमेंट में लिख के बताइएगा कि आपको कौन सा टिप सबसे ज्यादा अच्छा लगा, और ये बताइएगा कि अगर आपको इस तरह की वीडियोस अच्छे लगते हैं तो क्या हम और इस तरह की वीडियो बनाएं जिसमें हम जो फेमस बुक्स हैं, जो फेमस लिटरेचर्स हैं, जो फेमस नॉवेल्स हैं, उनसे कुछ प्रैक्टिकल टिप्स लेके आएं और आपको दें, ताकि आपकी लाइफ बेटर हो सके, आप कुछ अच्छा सीख सकें, आप कुछ अच्छा कर सकें. एज आई से एवरी टाइम, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, एंड लाइक एवरी टाइम, कीप लर्निंग, keep growing and keep going out of your comfort zone. This is Haritosh Srivastava. I'm going to see you next week with another episode right on this YouTube channel. Take care, stay safe and stay blessed.